मैं अभी भी चोर ही था जब मैं अनिल से मिला, और मैं 15 साल का था। मैं चोरी में बहुत अनुभवी था और बहुत सफाई से चोरी करता था। जब मैं अनिल से मिला तो वो रेसलिंग मैच देख रहा था, और वो 25 साल का था। वह लंबा, पतला और बड़ा शांत था, दयालु लग रहा था और चोरी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। उन दिनों चोरी में कामयाबी बहुत कम मिल रही थी। लगा इस बंदे का विश्वास जीत सकता हूं मैं। तुम भी थोड़े बहुत रसरा जैसे दिखते हो। मैंने झूठी तारीफ की, इससे दोस्त बनाने में मदद मिलेगी। तुम भी ये मुझे मेरी बेइज्जती सी लगी, क्योंकि उन दिनों मैं बहुत पतला था। मैंने विनम्रता से जवाब दिया। वैसे मैं थोड़ी बहुत रसरिंग कर लेता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? हरी सिंह। मैंने झूठ बोला। मैं हर महीने नया नाम रखता था, जिससे मुझे पुलिस और वो पुराने बंदे जिनको मैंने ठगा था पकड़ ना सके। इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने मुझे उन रेसलर्स के बारे में बताया जिन्होंने शरीर पर तेल लगा रखा था। वो एक दूसरे को उठा उठा कर पटक रहे थे। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था। अनिल वहां से चलने लगा। मैंने उसका पीछा किया। मैंने अनिल को अपनी सबसे मस्त हेलो गे, स्माइल दी जो मुझे आती थी। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। पर मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? क्या तुम खाना बना सकते हो? हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ। अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। मैंने अनिल को फिर से झूठ बोला था। मुझे कोई खाना बनाना नहीं आता था। अनिल मुझे अपने रूम पे ले गया, जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, और उसने मुझसे कहा मैं बालकनी में सो सकता हूँ। उस रात मैंने अनिल के लिए खाना बनाया। खाना बहुत बेकार बना होगा, क्योंकि अनिल ने उस खाने को गली के कुत्ते पे गिरा दिया। जाओ तुम सो जाओ। कोई नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। बाद में अनिल ने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और कहा तुम्हें जल्द ही पूरे सेंटेंस बनाना भी सिखाऊंगा और एडिशन के सम भी। मैं बड़ा खुश और आभारी था। मुझे पता था अगर मैं एक पढ़े लिखे इंसान की तरह पढ़ना लिखना सीख गया तो मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था अनिल के साथ काम करके। मैंने उस सुबह अनिल के लिए चाय बनाई। फिर मैं बाजार गया घर का सामान लेने। मैं इससे 1 रुपया प्रॉफिट कमा लेता था। मुझे लगता है ये बात अनिल को भी पता थी, पर उसने कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा। अनिल कभी पैसे कमा लेता था, कभी नहीं। मतलब उसकी इनकम बड़ी इररेगुलर थी। कभी वो 1 सप्ताह के लिए उधार लेता था, और जब उसके पास होते तो उसे चुका देता था। वो हमेशा बड़ी टेंशन में रहता था कि उसका अगला चेक कब आएगा, पर जब भी उसका चेक आता तो उसे वो सेलिब्रेट करने बाहर जाता था। ऐसा लगता था वो मैगजीन के लिए लिखता हो, कि
क्या अजीब तरीका है पैसे कमाने का। लिख के भी कोई पैसे कमा सकता है? वाह, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई लिख के पैसा कमा सकता होगा। क्या पता कमाता भी होगा। एक शाम अनिल घर आता है। उसके हाथ में पैसों का बंडल था और मुझे कहता है, मैंने एक पब्लिशर को बुक बेची है। रात को मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसे रखते हुए देख लिया। मैं तकरीबन एक महीने से अनिल के साथ काम कर रहा था और बस मैंने शॉपिंग में चीटिंग की थी और अपनी चोरी की लाइन का कोई भी काम नहीं किया था। मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी थी। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी भी दे रखी थी। मेरा जब मन करे तब आ जा सकता था। अब तक मैं जितने भी आदमियों से मिला था, अनिल सबसे विश्वास वाला बंदा था, इसलिए अनिल को ठग पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लालची इंसान को ठगना आसान होता है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, पर केयरलेस इंसान को ठगना मुश्किल होता है क्योंकि उसे फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो ये नोटिस भी नहीं करता कि उसे ठगा जा चुका है, तो ऐसे इंसानों को लूटने का मजा ही खराब हो जाता है। चलो अब मैं अपना काम करता हूँ, बहुत दिन हो गए प्रैक्टिस नहीं की। अगर मैं इसके पैसे चोरी भी ना करूं तब भी ये अपने पैसे अपने दोस्तों में खराब कर देगा और ये मुझे तनख्वाह भी नहीं देता। अनिल सो चुका था। चांद की रोशनी बालकनी और बेड पर गिर रही थी। मैं फर्श पर बैठा हुआ था और परिस्थिति को समझने लगा। अगर मैं अभी चोरी कर लूं, तो मैं 10:30 बजे वाली एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ सकता हूं, जो लखनऊ जाती है। मैं ब्लैंकेट से बाहर निकला और रेंगते हुए अनिल के बेड के पास पहुंचा। अनिल शांति से सो रहा था। उसका चेहरा बड़ा साफ था, ना कोई तनाव और ना कोई झुर्रियाँ। इससे ज़्यादा तो मेरे चेहरे पे निशान थे, पर वो सारे निशान चोटों के थे। मैंने गद्दे के नीचे हाथ डाला और पैसों को ढूंढने लगा। मैंने बिना आवाज़ के पैसे को निकाल लिया। अनिल गहरी सांस लेकर मेरी तरफ मुड़ा। मैं एकदम चौंक गया। और जल्दी से रेंगते हुए कमरे से बाहर निकला। जब मैं रोड पर पहुंचा तो मैं भागा। मैंने पैसों को अपने पजामे में डाल रखा था। मैं रुका और चलने लगा। जब मैंने पैसों को गिना तो वो 600 रुपये थे। 50-50 के नोट थे उसमें सारे। इतने में तो 2 सप्ताह अमीरों की तरह निकलेंगे। जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी टिकट नहीं ली थी। मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा। लखनऊ एक्सप्रेस चल पड़ी थी, पर ट्रेन ने अभी स्पीड नहीं पकड़ी थी। मैं किसी भी डब्बे में कूद सकता था, पर पता नहीं मैं रुका। मैं बता नहीं सकता मैं क्यों रुका। ट्रेन जा चुकी थी। मैंने अपने आप को उस सुनसान जगह पर अकेला पाया। मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था उस रात कहाँ रुकूं। मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, और दोस्त मदद कम मुसीबत ज़्यादा देते हैं। और मैं उस छोटे से होटल में रुककर शक नहीं पैदा करना चाहता था लोगों के मन में। एक ही इंसान था जिसे मैं अच्छे से जानता था,
पर उसे थोड़ी देर पहले मैं लूट चुका था। इस चोरी के छोटे से करियर में मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ना सीख लिया था। जब उनका सामान चोरी हो जाता है तो उनका चेहरा कैसा होता है? लालची आदमी को डर लगेगा, अमीर आदमी गुस्सा करेगा और गरीब आदमी उसे स्वीकार कर लेगा। मुझे पता है जब अनिल को पता चलेगा मैं चोर था तो वो उदास होगा। पैसों के लिए अनिल दुखी नहीं होगा, पर मैंने उसका विश्वास तोड़ा है, वो दुखी इसलिए होगा। मैं उस मैदान में अकेला था। मैं बेंच पर बैठ गया। उस नवंबर की रात बड़ी ठंड थी। थोड़ी देर में बारिश होने लगी। मेरे सारे कपड़े भीग गए थे। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी। मैं बाजार वापस गया और वहां पर क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया। 12 बज चुके थे। मैंने पैसों को फिर से देखा, वो बुरी तरह गीले हो चुके थे। ये अनिल के पैसे थे। सुबह अनिल मुझे 1 से 2 रुपए देने वाला था सिनेमा के लिए, पर मैंने उसके सारे पैसे चुरा लिए। अब मैं उसके लिए ना खाना बना सकूंगा, ना बाजार जा सकूंगा और ना अब सेंटेंस लिखना सीख पाऊंगा। मैं चोरी की एक्साइटमेंट में एक बात भूल चुका था। अगर मैं लिखना पढ़ना सीख जाता तो मैं एक दिन इन पैसों से कहीं ज्यादा पैसे कमा सकता था। चोरी करना बड़ा आसान काम है और पकड़े जाना उससे भी आसान काम है, पर अगर आपको समझदार इंसान बनना है और रिस्पेक्टेड भी, तो चोरी करनी ही नहीं चाहिए। मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए पढ़ना और लिखना सीखने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। मैं जल्दी से कमरे में वापस गया। मैं बड़ा नर्वस था। चोरी करना आसान है, पर पैसे रखना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने दरवाजा आराम से खोला और दरवाजे के सामने खड़ा रहा। अनिल सोया हुआ था। मैं रेंगते हुए अनिल के बेड के पास पहुंचा और पैसों को गद्दों के नीचे रख दिया। उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। कल मैंने पैसे कमाए, आज से तुम्हें हर महीने तनख्वाह मिलेगी। ये बात सुनकर मेरी जान में जान आई। जब मैंने नोट लिया तो वो अभी भी गीला था, पिछली रात की बारिश की वजह से। आज हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अनिल को पता था रात क्या हुआ था, पर ना ही उसने कुछ बोला और ना ही उसकी आंखों में कुछ दिखा। मैंने अनिल को वही मस्त स्माइल की और अब की बार स्माइल अंदर से थी, पहले की तरह बनावटी नहीं। Thank you.